हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर का थर्ड पार्ट, जो कि है क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको अगर देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं पहले के वीडियोस, ताकि आप अपना ऊपर का पोर्शन सारा समझ के कवर कर सकें। आज हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि है थर्ड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ कोलाइड सोल्यूशन आर डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम। तो जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं कोलाइड सोल्यूशन के, वो डिस्पर्स्ड फेज पे होते हैं और इसमें डिस्पर्शन मीडियम भी होता है, ठीक है। द सोल्यूट लाइक कॉम्पोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल इन द कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स फेज। तो जो सोल्यूट लाइक कॉम्पोनेंट होते हैं वो डिस्पर्स पार्टिकल्स जो होते हैं कोलाइड में, वो फॉर्म करते हैं डिस्पर्स फेज, ठीक है। एंड द कॉम्पोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेस इज सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम। तो जिस कॉम्पोनेंट में ये डिस्पर्स फेस जो है सस्पेंड की जाती है, मतलब सेपरेट की जाती है, तो उसको हम कहते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। कोलोइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स। तो हम कोलोइड्स को क्लासीफाई करते हैं उनके स्टेट्स के अकॉर्डिंग पे। सॉलिड, लिक्विड और गैस और द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स फेस। तो यही सब है, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है इसके डिस्पर्सिंग मीडियम है डिस्पर्स्ड फेस में। अ फ्यू कॉमन एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 2.1। तो कुछ एग्जांपल्स इसके टेबल 2.1 पे हैं, आप देख सकते हैं। फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी दैट देयर आर वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ। तो आप इस टेबल में देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉमन एवरीडे लाइफ है के चीज़ों उसमें एग्जाम्पल में आते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार 2.1 का टेबल। अभी मिल नहीं रहा है 2.1 का, तो आप देख लीजिएगा बाद में। तो चलिए आगे का करते हैं। तो आज हम करते हैं ये क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर आपको इनके आंसर्स पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम इसके आंसर्स आपको बता भी देते हैं अभी। तो डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स विद एग्जांपल। देखो, होमोजेनियस मिक्सचर्स हमें पता था कि एक ही जैसे होते हैं, मींस ये कि यूनिफॉर्म मोशंस में होते हैं, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। तो आप होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल ले सकते हो शुगर सॉल्यूशन, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल आप ले सकते हो शुगर प्लस शुगर प्लस वाटर ले लो, सैंड ले लो आप, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। हाउ आर सॉल्यूट सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ जो ये सोल लिखा है ना, इसका मतलब सॉल्यूट ही है। तो इसके आपने तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ देखी, आपको बस इन्हीं से देख के इनकी डिफरेंशिएशन लिखनी है। तो ये आपका होमवर्क है। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। तो हमें फार्मूला पता था कि हमें पहले इन दोनों को ऐड करना होगा, इट विल बिकम 136। तो टोटल हमारा 136 हो जाएगा। सो 36 बाई 136 इनटू 100 वी हैव टू डू, एंड द आंसर। अब आपका जो भी आंसर रहेगा आप उस वही इसका आंसर होगा। तो आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ये मैं अभी आपको फाइंड आउट करके नहीं बताऊँगी, क्योंकि ये आपका होमवर्क है, इसको जल्दी से फाइंड आउट करिएगा। ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मैं आपके लिए 5 सेकंड का इंतज़ार करूँ। जल्दी से फाइंड आउट कीजिए और मुझे इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। आई थिंक सो आपका हो गया होगा, हमें जल्दी जल्दी चैप्टर कवर करना है, इसलिए मैं ये नहीं बता रही हूँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलोइड, तो हम कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं। 2.5 के नीचे की चलिए देखते हैं। तो डिस्पर्स फेस में क्या होंगे, लिक्विड है, डिस्पर्स मीडियम इसका गैस होगा, टाइप होगा एरोसोल, फॉग, क्लाउड, मिस्ट, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। फिर नेक्स्ट होगा आपका सॉलिड में भी गैस ही होगा इसका डिस्पर्स मीडियम, क्योंकि वो भी ट्रैवल गैस के द्वारा करेगा। फिर भी एरोसोल, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये सब गैस का। फिर लिक्विड, फोम, शेविंग क्रीम, लिक्विड, लिक्विड एमुलशन, फेस क्रीम और मिल्क, सैंड का लिक्विड,
सॉरी सॉलिड का लिक्विड सोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड, गैस, सॉलिड फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमाइस। तो ये आप सोच रहे होंगे क्या ये ऐसे एग्जांपल्स हैं कुछ कुछ लिक्विड्स का। सॉलिड जेल में आप देख सकते हैं जेली चीज़, बटर, या फिर सॉलिड का आप देखेंगे तो सॉलिड में अगर डिस्पर्सिंग मीडियम होगा उसका तो सॉलिड सोल होगा, कलर्ड जेमस्टोन और मिल्की ग्लास जैसे दिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हम सेपरेट कैसे करेंगे मिक्सचर्स को। सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, वी हैव लर्न दैट द मोस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर। तो जितने भी मोस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते हैं, हमने यही देखा है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर। तो बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं कि ताकि हमें सिर्फ एक ही इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट मिले उस मिक्सचर में से। तो सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। तो सेपरेशन इसे ईजिली बनाता है, हम सेपरेट करके इनके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स निकाल सकते हैं एक मिक्सचर्स के। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टेंट बाई सिंपल फिजिकल मेथड लाइक हैंड पिकिंग, सेविंग, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ। तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं हम उनको सेपरेट कर सकते हैं कुछ नेचुरल मेथड से, फिजिकल जो होते हैं मेथड्स जैसे कि हैंड पिकिंग, सेविंग, फिल्ट्रेशन। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वही होते हैं जो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब हम उन्हें देख सकते हैं अपनी आँखों से। ठीक है, समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ आर मिक्सचर्स। तो कभी कभी हमें स्पेशल टेक्निक्स भी यूज़ करनी होती है। तो यहाँ स्पेशल टेक्निक से आपका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन से, केमिकल्स का यूज़ करके आप इनको अलग कर सकते हो। हाउ कैन वी अपटेन कलर कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो हम कैसे कलर्ड कॉम्पोनेंट ऑप्टेन करेंगे ब्लू ब्लैक इंक से। फिल हाफ अ बीकर विथ वाटर। तो हमें क्या करना है, एक बीकर में आधा पानी भरना है। पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। तो आपको एक वॉच ग्लास डालना है माउथ पे बीकर के। तो वॉच ग्लास देखो कुछ गोल सा होता है ये, और इसके ये पूरा सफ़ेद सा होता है, कांच का बना होता है, इसलिए हम इसको वॉच ग्लास बोलते हैं। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। तो अब आपको वॉच ग्लास पे इस टाइप का जो वॉच ग्लास है इस पे इंक डालनी है। ठीक है, नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। अब आप हीट करना शुरू कर दो बीकर को। वी डू वॉन्ट नॉट वॉन्ट टू हीट द इंक डायरेक्टली। तो हम इंक को डायरेक्टली हीट नहीं करना चाहते। यू विल सी दैट द इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। तो आप देखेंगे कि इवेपोरेशन जो है वो वॉच ग्लास पे भी हो रहा है। कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग वेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। तो तब तक हीट करते रहो जब तक कि वो हीट हो रही है। जैसे ही वो स्टॉप हो जाएगी इवेपोरेट होना और आपको कोई और चेंज नहीं दिख रहा है वॉच ग्लास पे, तो आप रुक जाओ। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो आप उसको आराम से देखो, केयरफुली देखो और उसको ऑब्जर्व करो। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो वॉच ग्लास गोल सी होती है। देखो ये इसका डायग्राम है। तो हमने इस बीकर में आधा पानी ले लिया 50 ml मान के चलो, और ये इसने बर्नर लगा दिया हमने। अब वॉच ग्लास देखो ये गोल सी है ना, वॉच ग्लास रख दिया, इस पर हमने इंक डाल दिया और ये उसके वेपर्स बन रहे हैं इससे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक हैज गॉट इवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास। तो जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे कि क्या लगता है आपको कि क्या इवेपोरेट हुआ होगा। इज देयर अ रेसिड्यू ऑन द वॉच ग्लास। तो क्या कुछ बच गया है वॉच ग्लास पे। What is your interpretation? Is ink a single substance or it is a mixture? तो क्या इंक एक सिंगल सब्सटेंस है या फिर प्योर सब्सटेंस है या फिर मिक्सचर है। वी फाइंड दैट इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। तो हम देखेंगे कि इंक जो है मिक्सचर है डाई का वाटर में। थस वी कैन सेपरेट द वोलाटाइल कॉम्पोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलाटाइल सोल्यूट बाई द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। तो हम एक वोलाटाइल सब्सटेंस को दूसरे कॉम्पोनेंट से अलग कर सकते हैं, मतलब सॉल्वेंट को सॉल्यूट से अलग कर सकते हैं कुछ एक मेथड इनमें इवेपोरेशन। तो देखो जब आपने इसको बर्न किया ना तो इसमें से वाटर जो है वो वेपराइज हो गया और डाई डाई बच गई से। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं अपनी।
फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। तो आप कुछ फुल क्रीम मिल्क ले लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब देखो आप, टेस्ट ट्यूब ऐसी होती है, अगर आपने नहीं देखा है लॉकडाउन में, अगर आप नहीं देख पाए हैं, स्कूल में गए नहीं है, एक्टिविटी नहीं किया, तो ऐसी होती है टेस्ट ट्यूब। सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। तो इसको सेंट्रीफ्यूज कीजिए एक सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन का यूज़ करके 2 मिनट के लिए। तो ये भी एक टेस्ट ट्यूब टाइप्स की होती है, मतलब ये कुछ ऐसी होती है, देखो आप ऐसी ऐसी होती हैं बनी हुई, इसमें हम डालते हैं सेंट्रीफ्यूज करने के लिए। इफ़ अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इज़ नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाई यूजिंग अ मिल्क चर्नर। तो अगर आपके पास सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन नहीं है तो आप एक मिल्क चर्नर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि ईजिली अवेलेबल होती है आपकी किचन में। अगर वो भी नहीं है तो आप इसका वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर, आप ईज़िली इसको देख, इसके एक्टिविटी का नाम डालेंगे तो आपको इसके रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप अपनी आँखों से ये एक्टिविटी सामने देख सकते हैं वीडियोज़ पर। अगर आपको YouTube वीडियोस ना मिले तो मैं इसके लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी कि आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाय, विजिट इट एंड आस्क हाउ द सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क एंड हाउ दे मेक चीज़ फ्रॉम पनीर। तो जब आप, अगर आपके पास कोई नियर बाय डेयरी है मिल्क की, तो आप उनसे पूछिए कि आप कैसे सेपरेट करते हैं क्रीम को मिल्क से, या फिर आप कैसे चीज़ बनाते हैं दूध से, ठीक है। वट डू वी ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं चर्निंग करने के बाद मिल्क का। तो आप इससे पहले ही इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो देख लीजिएगा बॉक्स में, तो फिर आपको पता चल जाएगा। एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क टेक्स प्लेस। तो आप मुझे इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क है। तो देखो अब थोड़ा सा इसका आंसर हमें ये बताएंगे भी, तो हम देखते हैं। Sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper. For such particles, the filtration technique cannot be used for separation. तो कभी कभी जो particles होते हैं solid के, वो liquid में इतने छोटे छोटे होके mix हो जाते हैं ना, कि हम उसको filter paper से separate नहीं कर सकते हैं। इन सारे techniques के लिए हमें filtration technique जो है वो use नहीं कर सकते separation के लिए। तो ऐसे mixtures को हम कैसे separate करते हैं, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम सेंट्रीफ्यूजन के द्वारा सेपरेट करते हैं। द प्रिंसिपल इज दैट डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड एट द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। तो इसमें होता है क्या है, जो डेंसर पार्टिकल होते हैं ना, जो ज़्यादा अमाउंट में हैं, मतलब थोड़े से भारी है, वो नीचे रह जाते हैं, और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर टॉप पर आ जाते हैं और स्पन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं रैपिडली। तो अब हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। तो ये डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में यूज़ होते हैं ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए, ठीक है। यूज इन डेरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। तो डेरीज में और घर पे भी यूज़ होता है बटर और क्रीम को अलग करने के लिए। यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ। तो यूज़ होता है ये वॉशिंग मशीन में भी, जिससे कि जो पानी है वो कपड़ों से निकल जाएगा, गीले कपड़ों से। तो आपने भी देखा होगा कि आपकी मम्मी जब वॉशिंग मशीन पे ऐसे ड्राई करती हैं, तो वो ड्राई कैसे होता है, तो ये इसी मेथड के द्वारा होता है। तो अब हम इसके आगे का, ये जो पोर्शन है ना इसका, ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करेंगे यहाँ से 2.3.3 से। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।